मैंने कौन सी शपथ ली? अभी तो तुमने कहा आज पीट के ही छोड़ूंगी, पहले पकड़ के तो दिखाओ। ये तो तुम यहां कर क्या रही हो राधा? ये छड़ी क्यों है तुम्हारे हाथ में? आयन, तुम कब आए? शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण समय से पहले ही पूर्ण हो गया राधा। आचार्य ने आज्ञा दे दी तो बस लौटा है। अच्छा हुआ कि तुम लौट आए। अब तुम ही इस दुष्ट को पाठ पढ़ाओ। ये कौन है? और तुम इसके पीछे छड़ी लेकर क्यों भाग रही? इसी के तो योग्य है, ये दुखी कर रखा है मुझे। नहीं 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 बड़े भैया, नहीं नहीं, ये ठहरी गांव की मुखिया की पुत्री, मैं ठहरा साधारण सा ग्वाला, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्या करता हूँ, मैं गैया चरा लेता हूँ, चैन से बंसी बजा लेता हूँ बस। दादा तुम, इसकी बांसुरी ही तो सबसे बड़ी जड़ है, कोई साधारण ग्वाला नहीं है, बहुत ही मायावी और चतुर है। देखा कितनी चिढ़ती है मुझसे, आप ही देखिए ना कितनी चिढ़ती है ये। अब ये तो अनुचित है ना राधा, बड़े भैया से अभी तक मेरा उचित परिचय भी नहीं हुआ और तुमने मेरी छवि अभी बिगाड़ दी। क्यों बड़े भैया? अयन इसकी बातों में मत आना। अरे ऐसे कैसे, बड़े भैया इतने बुद्धिमान प्रतीत हो रहे हैं, सत्य अवश्य समझेंगे। क्यों बड़े भैया? अयन बस, राधा ये घटनाक्रम अब मैं संभालूंगा। क्यों तंग कर रहे हो राधा को? क्या चाहते? मित्रता। मैं बरसाना में केवल प्रेम और मित्रता का संदेश लेके आया हूं बड़े भैया। झूठ बोल रहा है ये, सच क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ मेरे साथ। अयन
तुम इसकी बातों में बताना। ये धूर्त सबको मीठे बोल बोल कर अपनी बातों में फंसाता है और हमारे गांव की किसी भोली भाली लड़की से प्रेम का दावा करता है और उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाहता है। आज मेरे सामने एक समस्या है। आज मैं आप सबसे एक वचन चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने अंतिम श्वास तक उसे नहीं तोड़ेंगे। मांगते क्या है मुखिया जी, आप तो बस आदेश दीजिए। हाँ, आपने मुखिया होने का हर कर्तव्य निभाया है। बस बोलिए मुखिया जी, क्या चाहते हैं? सांस छूट जाए पर वचन नहीं टूटेगा। मैंने और मित्र नंद ने बहुत समय साथ में आनंद से बिताए, पर आज नंद और समस्त गोकुल संकट में है। इनके पास ना रहने के लिए घर है और ना ही भोजन की व्यवस्था। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब प्रेम से गोकुल वासियों को बरसाना में आसरा दे। और जब तक नंद और उनका कुनबा अपना वास्तविक परिचय ना देना चाहे, तब तक किसी को भी उनके यहां रहने की सूचना ना हो। आप सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि गोकुल के एक एक परिवार को अपना है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ऐसा ही होगा मुखिया जी, आज से ये सब गोकुल के वासी नहीं बरसाने के वासी हैं। ये क्या कह रही है ग्वाले? तो मैं सुन रहा हूं, क्या वो सत्य है? बड़े भैया, मैं ग्वाला हूं, मायावी नहीं। अब राधा ने आपके कान में क्या कहा है मुझे कैसे ज्ञात होगा ना? अच्छा, चतुर बनने का प्रयास कर रहे हो? अरे बड़े भैया, आप भी इसकी बातों में आ गए, मेरा भोला मुख तो देखिए ना। मैं अबोध ग्वाला, कहां से चतुर लगता हूं आपको? बातें बनाना बंद करो ग्वाले, और सीधी तरह से बताओ परसाला की किस कन्या को अपने प्रेम जाल में फंसाने आए हो तुम? राजा, इतनी सी बात तुम्हारी पेट नहीं बची? बड़े भैया, प्रेम बहुत ही निजी प्रकरण है, इसमें आप बीच में ना ही आए तो उचित होगा। उचित या अनुचित, मेरा बीच में आना अनिवार्य है। एक बात स्मरण रहे ग्वाले, आयन नाम है मेरा और ये बरसाना है, जहां पर तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे जो मुझे अच्छा ना लगे, समझे तुम? शस्त्र विद्या क्रीड़ा करने के लिए नहीं सीखी है मैंने, तुम जैसे दुष्टों से बरसाना को बचाना ही उद्देश्य है मेरा। और एक बात कान खोल कर सुन लो ग्वाले, आज के पश्चात तुम बरसाना की किसी कन्या तो के किसी गैया के पास भी दिखाई दिए ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
यदि शब्दों से समझ ना आ रहा तो शस्त्र से समझाऊं। आयन, तुम्हें इतने क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, वो समझ गया। समझ गए? ये समझा है? तुम्हें देखो तो इसे, देखो तो कितना निर्लज्ज है ये, बॉडम बैल की तरह हंस रहा है। इसे तो मैं राधा, अब तुम मुझे मत रोकना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ना गया, निर्बल पर प्रहार नहीं करते। हाथ पकड़ो, बाहर आओ। अयन, अरे ये तो अयन है ना? हाँ, दीख तो वही रहा है, लेकिन इसकी ये दशा किसने की? लगता है भैया शस्त्र नहीं, कीचड़ में लोटपोट होने की कला सीख कर आए हैं। क्या हुआ बड़े भैया? तलवार इतनी भारी थी तो उठाने का प्रयास क्यों किया, सीधा कीचड़ में गिर गए। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? किसी के गिरने पर हंसते हो? जाओ यहाँ से। अब सृष्टि के नियमों में लज्जा कैसी? जब जब कोई अपनी शक्ति पर अहंकार करता है, तब तब उसका भ्रम तोड़ने के लिए कोई उससे अधिक शक्तिशाली आता है और अपना परिचय दे जाता है। ज्ञान देना बंद करो ग्वाले, और अपना परिचय दो। कौन हो और कहां रहते हो? अहंकार की यही तो समस्या है, सबसे पहले जानने वाली बात मनुष्य सबसे बाद में पूछता है। चलो, अभी आपने पूछ ही लिया है तो आपको बता ही देता हूं, मेरे बहुत सारे नाम हैं। किसी के लिए मैं मोहन श्याम हूं, तो किसी के लिए मैं गोपाल, मैया के लिए मैं कान्हा हूं, तो गांव वालों के लिए मैं यशोदा नंदन, फिर मुरलीधर, गोविंद, आनंद। और रही बात रहने की बड़े भैया, तो मैं यहां भी हूं और वहां भी हूं। आपको मारने वाली इस गैया में भी, शरीर को ठंडक देने वाली पुरवैया में भी, राधा में भी हूं। आप में भी हूं, सुख में भी हूं और दुख में भी। मैंने नाम पूछा है तुम्हारा, ये व्यर्थ का पुराण पढ़ने के लिए नहीं कहा, नाम बताओ अपना। जो मैंने बताया वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कर्म है, व्यर्थ तो नाम है। पर लगता है आपको व्यर्थ की बातें ही भाती हैं, तो चलो वो भी बता देता हूं। मेरा नाम है कृष्ण, कृष्ण।